माइनक्राफ्ट की कैसी कहानी जिसमें वार्डन और विलेजर्स में लड़ाई हो जाती है। पर भाई लोग टेंशन मत लो, विलेजर्स और प्लेजर्स वापस से वार्डन को उसके घर पे भेज देते हैं। लेकिन टेंशन लो क्योंकि वार्डन अभी मरा नहीं है। काफी साल बीत गए, माइनक्राफ्ट बिल्कुल बदल गया था। माइनक्राफ्ट में निंजास आ गए, ब्लैक निंजास और व्हाइट निंजा में हरदम फाइट होता रहता था। पर बच्चे लोगान, एक दिन व्हाइट निंजा और ब्लैक निंजा के बॉसेस में फाइट हुआ और ब्लैक निंजास को वहां से भागना पड़ा। और गुस्से में ब्लैक निंजा के बॉस ने वार्डन का ब्लॉकेज रख दिया। बोले तो विलेजर लोग पार्टी मनाने लग गए, ये क्या हो रहा है। और विलेजर लोगान को तो ये पता ही नहीं कि उनके विलेज में वार्डन आ सकता है। अब उनको तुझ पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। मुझको भी। वेरी गुड। अरे पर अगर तुमको बचाने वाला ही मर गया तो तुमको बचाएगा कौन। ये क्या, वार्डन के ब्लॉक के पास एक मुर्गी क्या कर रही है। एक सेकंड, ये कैट ये ऐसे क्यों देख रही है। वेट, इसने तो मुर्गी को मार दिया और इस एक गलती की वजह से वार्डन को पावर मिल गया। और धीरे धीरे वार्डन पूरे विलेज पे कब्जा करने लग गया। ये क्या है, हे उसको छूना मत। पर मैं तो छूगा, मैंने मना किया ना। पर एक विलेजर ने उसको छू दिया और तभी हमारे वार्डन चचा आ गए। इसके ऊपर तो केक है। हे, ये केक मैं ही खाऊंगा और तुम सब लोग भागो यहाँ से। देखो भैया जी, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा वीडियो पूरा देखा करो। लगता है इस व्हाइट निंजा को पता नहीं था कि वार्डन साउंड की तरफ रिएक्ट करता है और बेचारा पिट गया। और जब हमारे हीरो ने देखा कि वार्डन ने पूरा गांव तहस महस कर दिया, हमारा हीरो उदास होकर अपना निंजा का कपड़ा छोड़ के वहां से चला गया। अरे अब कौन बचाएगा हमारे विलेज को। मैं हूँ ना। ओए चुप, शांति से वीडियो देख। बोले तो हमारे हीरो का जिंदगी फुल मजे में था। ए, कौन है वहाँ पे। पांडा। ए, भाग यहाँ से, मुझे सोने दे, मैंने कहा ना जा। और हमारे छोटे पांडा ने हमारे हीरो को अपने विलेज का हालत दिखाया। प्लीज हमारी मदद करो। और फिर हमारे हीरो ने सोच लिया, भाई लोगान अब तो इनका मदद करना ही पड़ेगा। भाई ने बिना आवाज किए चलने की प्रैक्टिस की, पर ये तो एंटिक पीस निकला। बोले तो भाई ने सॉलिड बॉडी बनाई, बो एंड एरो की भी प्रैक्टिस की। हे, मेरे को क्या मारता है, इस पे मार। अब उनके हीरो ने किया डिफेंस का प्रैक्टिस, बोले तो एकदम झकास। और आखिरकार अपना भाई उस जादुई बुक को भी ढूंढ लेता है और उससे बनाता है जादुई तलवार। और अपने पांडा भाई ने गिफ्ट किया एक नया शील्ड। और अपना भाई था फाइट के लिए पूरा रेडी। वार्डन चचा भी वहां आ चुके थे। बोले तो हीरो और विलन दोनों आमने सामने, दोनों ने किया अटैक। स्टार्टिंग में तो अपना हीरो वार्डन को लपेटता जा रहा था, पर एंड में वार्डन ने उसकी बैंड बजा दी। अब अपना भाई लड़ने के हालत में ही नहीं है। फिर अपने पांडा भाऊ ने भाई का जोश बढ़ाया, भाई को सब कुछ याद दिलाया और फिर से अपने हीरो ने वार्डन को लपेटना शुरू कर दिया। बोले तो इस बार पांडा लोग भी मदद कर रहे, वाओ क्या एंटिक स्टाइल है। और एंड में अपने हीरो ने वार्डन को काट दिया और फिर हुआ एक बड़ा विस्फोट और आखिरकार वार्डन मर गया। एक सेकंड, ये क्या, ये तो अपना भाई है। अरे भाई उठना भाऊ, भाऊ तू मर कैसे गया, भाऊ भाऊ तू मर नहीं सकता, भाऊ उठ उठ उठ, अरे भाऊ उठ। और एंड में हमारा हीरो बच गया और फिर अपने विलेज में आए विलेजर्स। और अगर आपको ऐसा और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दो।